नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मारुति सुजुकी इको 5 सीटर एसी वेरिएंट को जो आता है मैनुअल ट्रांसमिशन और सीएनजी के साथ। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ताकि आपको हमारे हर एक नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इको जो है पेट्रोल और सीएनजी में अवेलेबल है और ये जो सामने आप वेरिएंट देख रहे हैं ये आता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन के साथ और टोटल 2 साल और 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी आपको इसके साथ मिलती है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5.5 लाख रुपीस और ऑन रोड आपको मिल जाएगी लगभग 5.75 लाख रुपीस तक। और ये आती है टोटल 5 कलर्स में, जो है सॉलिड वाइट, पर्ल मिडनाइट ब्लैक, मेटालिक सिल्की सिल्वर, मेटालिक ग्लिसनिंग ग्रे और सेरेलियन ब्लू। इसके अलावा इसमें मिलने वाले सारे मॉडल्स आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसकी ग्रिल, जहाँ बीच में लगा है सुजुकी का लोगो। ये रहे इसके हैलोजन हेडलैम्प, ये आते हैं टर्निंग इंडिकेटर के साथ। इसमें फ्रंट बम्पर आपको मिलेगा पूरा ब्लैक कलर में। इसी के ऊपर आपको फॉग लैम्प के लिए प्रोविजन मिलेगा, फॉग लैम्प्स आपको इस मॉडल में नहीं मिलते हैं। बोनट के ऊपर आपको थोड़े से पैटर्न्स देखने को मिलेंगे और यहाँ दिए हैं दो वाइपर, दो वॉशर के साथ। ऊपर की तरफ आपको मिलेगा सीएनजी का स्टिकर। रूफ़ के ऊपर भी थोड़े से पैटर्न्स प्रोवाइड किए गए हैं। ए पिलर आपको मिलता है बॉडी कलर में। ये रहा इसके ORVM का लुक, ये आपको मिलेगा पूरा ब्लैक कलर में। टर्निंग इंडिकेटर दिए है फेंडर के ऊपर। इसमें 13 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जिनकी टायर साइज़ है 155/65R13 की। व्हील कैप का कोई भी ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। इस गाड़ी का व्हील बेस है 2350 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का। डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं ब्लैक कलर में। बी पिलर दिया है बॉडी कलर में। चलते हैं पीछे की तरफ, तो सी पिलर और डी पिलर भी आपको मिलेंगे बॉडी कलर में ही। और कुछ इस तरह से दिखाई देती है इस गाड़ी की को ड्राइवर साइड प्रोफाइल। अब हम देखेंगे इस गाड़ी की बैक साइड प्रोफाइल को। तो शुरुआत करते हैं इसके रूफ से। तो रूफ़ के ऊपर आपको थोड़े से पैटर्न्स देखने को मिलेंगे और यहाँ दिया है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। बैक साइड में आपको वाइपर, वॉशर या फिर डीफॉगर का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ दिया है सुजुकी का लोगो। लेफ्ट साइड में दी है इको की बैजिंग और ये रहे इसके टेल लैम्प। ये आते हैं टर्निंग इंडिकेटर और बैक साइड फॉग लैम्प के साथ। इसके अलावा अगर बात करें सेफ्टी की, तो सेफ्टी में आपको मिल जाते हैं दो रियर पार्किंग सेंसर्स बैक साइड बम्पर के ऊपर, जो आपको मिल जाएगा पूरा ब्लैक कलर में। बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, तो फ्रंट में लगा है मैकफर्सन स्ट्रट और रियर में लगा है 3-लिंक रिजिड एक्सल सस्पेंशन। और इसमें फ्रंट में लगे हैं डिस्क ब्रेक और रियर में लगे हैं ड्रम ब्रेक्स। तो चलिए अब ओपन कर लेते हैं इसके बूट लीड को। तो इसे आप की से ओपन कर सकते हो। इसमें आपको 540+ liters का बूट स्पेस मिलेगा, जो काफ़ी मैसिव है, तो आप जैसा चाहो यूज़ कर सकते हो। ये रही इसकी टूल किट। तो अगर आप सीएनजी वेरिएंट को परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको सीएनजी का टैंक देखने को मिलेगा, और अगर आप 7 सीटर को परचेस करते हो तो यहीं पे आपको थर्ड रो मिल जाएगी। सीएनजी कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसमें आप 10 किलो तक की गैस बड़े आराम से भर पाओगे। तो चलिए अब बंद कर लेते हैं इसके बूट लीड को। तो यहाँ आपको इनसाइड पैडिंग प्रोवाइड की गई है, लेकिन ग्रैब हैंडल का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस की। तो इसकी लेंथ है 3675 mm, विड्थ है 1475 mm, हाइट है 1825 mm, कर्व वेट है 940 kg का और टर्निंग रेडियस है 4.5 meters की। इसमें अगर आपको सीएनजी फिल करना है तो को ड्राइवर साइड में आपको प्रोविजन दिया है, तो यहाँ से आप इसमें सीएनजी फिल कर सकते हो। और वहीं पे अगर आपको पेट्रोल फिल करना है तो ड्राइवर साइड में आपको रेगुलर इको जैसी ही सिस्टम मिलेगी, तो यहाँ से जो है आप इसमें पेट्रोल भर सकते हो। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 40 liters की। इसमें आपको दो नॉर्मल कीज़ मिल जाती है, रिमोट की का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये रहा इसके डैशबोर्ड का लुक। ड्यूल टोन में डैशबोर्ड आपको मिलता है ब्लैक और बेज कलर में। डोर के ऊपर आपको मैप पॉकेट या फिर 1 लीटर बॉटल होल्डर देखने को नहीं मिलेगा। पावर विंडोज़ का भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको विंडोज़ को मैन्युअली अप और डाउन करना होगा। यहाँ पे दिया है इसका डोर लीवर, ये मिलेगा ब्लैक कलर में।
और ये रहा इसका इनसाइड डोर हैंडल। यहाँ से आप डोर को लॉक अनलॉक कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे है ORVM। अब देखते हैं इसके पेडल्स को, तो यहाँ पे आपको डेड पेडल का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ से आप इसके बोनट को ओपन कर पाओगे। ऊपर की तरफ आपको एक लीवर मिल जाता है और इसके सीट को आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैन्युअली एडजस्ट कर पाओगे। इसके अलावा सीट के राइट साइड में आपको बैक एडजस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो दिया है सीट के लेफ्ट साइड में। इसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है और यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। ये रहा इसके डैशबोर्ड का लुक। इसमें आपको दोनों तरफ स्पीकर के लिए ग्रिल मिलेगी, लेकिन स्पीकर आपको इस मॉडल में प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। ये रही इसकी AC वेंट। यहाँ पे दिया है पेट्रोल टू CNG फ्यूल कन्वर्टर। उसके बाद दिया है हेडलैम्प बीम एडजस्टर। इसमें आपको एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है जो शो करेगा ट्रिप मीटर, लो फ्यूल वार्निंग, एवरेज स्पीड और फ्यूल गॉज को। टैकोमीटर आपको इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे दिया है हजार्ड लाइट का स्विच। अब देखते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील के लुक को। तो सबसे पहले मैं ऊपर से नीचे तक पूरा स्टीयरिंग व्हील आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। बीच में दिया है सुजुकी का लोगो, जिसके ठीक नीचे लिखा है इसके एयरबैग के बारे में। बात करते हैं इसके टॉगल्स की, तो राइट साइड में दिए हैं लाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स, और वहीं पे लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे इसके वाइपर और वॉशर के कंट्रोल्स। अब देखते हैं इसके सेंटर कंसोल को, तो यहाँ आपको मिलेंगी दो AC वेंट्स, जिसके ठीक नीचे दिए हैं इसके AC के कंट्रोल्स। तो यहाँ से आप एयर फ्लो डायरेक्शन एडजस्ट कर पाओगे। उसके बाद आउटसाइड एयर को कंट्रोल कर सकते हो। नीचे की तरफ दिया है टेम्परेचर सेट करने के लिए लीवर, और यहाँ से आप ब्लोअर की स्पीड को कम ज़्यादा कर पाओगे। सबसे लास्ट में दिया है AC का स्विच। इसके नीचे आपको कन्वीनियंस स्पेस दिया है, तो इसमें आप 1 DIN या फिर 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हो। नीचे की तरफ आपको एक और स्पेस मिलेगा, और इसी के साइड में दिया है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ताकि आप अपने गैजेट्स ऑन द वे चार्ज कर सको। इसके नीचे आपको मिल जाएंगे 3 कन्वीनियंस स्पेसेस, तो यहाँ पे आप अपना वॉलेट रख सकते हो, बॉटल रखने के लिए भी जगह है, और साइड में आप मोबाइल भी रख सकते हो। ये रहा इसका 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विथ रिवर्स। ऊपर की तरफ आपको ब्लैक कलर का नॉब मिल जाता है, होल्ड करने में ये ठीक ठाक है। यहाँ पे दिया है इसका हैंड ब्रेक, ये आता है ब्लैक टिप के साथ। और अगर आपको इसके सीट में बैक एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है। यूजुअली ये राइट साइड में होता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। दोनों तरफ ये दिया है। ये रही इसकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, और सामने के डोर का लुक भी आप देख सकते हो। अब ओपन कर लेते हैं इसके ग्लव बॉक्स को, तो यहाँ पे आपको लाइट और कूलिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, डिसेंट स्पेस दिया है। चलिए बंद कर लेते हैं इसको, और ऊपर की तरफ आपको एक और कन्वीनियंस स्पेस प्रोवाइड किया गया है जो काफ़ी बड़ा है, तो आप जैसा चाहो यूज कर सकते हो। इस गाड़ी में आपको टोटल 3 ग्रैब हैंडल मिलते हैं, ड्राइवर साइड ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा। ओपन करते हैं को ड्राइवर साइड सनवाइजर को, तो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिसिंग है। बीच में आपको एक केबिन लैंप मिल जाता है, जिसके लाइट का थ्रो ठीक ठाक है। इसमें आपको डे नाइट एडजस्टेबल IRVM नहीं मिलेगा, नॉर्मल IRVM दिया है। चेक करते हैं ड्राइवर साइड सनवाइजर को, तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर नहीं मिलेगा। तो सामने से जो है हमने अच्छे से बात कर ली है। अब चलते हैं इस गाड़ी के बैक सीट पे, और वहाँ चल के बात करते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसके डोर को, और डोर के ऊपर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी देखने को मिलेगा। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो काफ़ी वाइड एंट्रेंस आपको मिलने वाला है, और स्पेस भी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। इसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, और रियर में भी आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट ही मिलेंगे। इसमें बैक साइड में भी आपको एक रीडिंग लैंप मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया कन्वीनियंस फीचर है। इसके लाइट का थ्रू भी आप देख सकते हो। इसके अलावा इसके बैक सीट से इसका बूट स्पेस भी विजिबल है, तो आप इसे भी बड़े आराम से एक्सेस कर पाओगे। इस गाड़ी में जो है आपको विंडो एरिया काफ़ी बड़ा मिल जाता है, तो आउटर विजिबिलिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात, बैक साइड में आपको कोई भी हम्प देखने को नहीं मिलेगा, तो 3 लोग यहाँ पे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और कुछ इस तरह से दिखाई देता है इसके बैक सीट से इसके डैशबोर्ड का लुक। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के सेफ्टी की। तो सेफ्टी में आपको मिल जाती है एक एयरबैग, ड्राइवर साइड ABS विथ EBD, इंजन इमोबिलाइजर, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रियर सीट बेल्ट्स और रियर पार्किंग सेंसर्स। अब हम ओपन करेंगे इसके बोनट को, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इसका जैक। उसके बाद बात करेंगे इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की,
तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर G12 B सीरीज BS6 पेट्रोल इंजन, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 72 BHP की 6000 RPM पे, और आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 98 न्यूटन मीटर का 3000 RPM पे। इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा 16.11 किलोमीटर पर लीटर तक का। CNG माइलेज आपको मिलेगा 21 किलोमीटर पर किलो का। और अगर बात करें ट्रांसमिशन की, तो ये अवेलेबल है 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में। तो अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप मारुति सुजुकी अरिना में कॉल कर सकते हो, नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ जाए। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।